नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट आलू की टिक्की बनाना बतलाती हूँ। देखिए कैसे झटपट बन जाता है। इसके लिए हमें चाहिए है बॉयल किया हुआ आलू। मैंने चार आलू को मैश करके रखा हुआ है। बाइंडिंग के लिए मैंने पोहा को फुला करके रखा है। और इसमें हम डालेंगे हरे धनिया की पत्ती, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इन सब को थोड़ा दरदरा हम पीस लेंगे। करीब 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक लिया है। हरी मिर्च मैंने ली है, अपने टेस्ट के अनुसार 5 लिया है। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोहा को मैंने पानी में थोड़ा सा फुला कर रखा है। 10 मिनट मैंने इसे पानी में डाल के रखा है। ये खूब अच्छी तरह से फूल गया है। इसे मैं पीसूंगी। एक कटोरी पोहा को मैं पीस लूंगी। अभी अदरक हरी मिर्च वगैरह पीसा है, उसमें ही डालकर और एक कटोरी पीस लेना है। अच्छा सा इसे पेस्ट की तरह पीस लेंगे। पानी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पीस जाता है। भिंगोए हुए पोहा से बहुत ही अच्छा सा पुलाव भी बनता है। मैंने डाल रखे हैं वेज पुलाव। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और भी बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है इससे, मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। आलू में हम इस पोहा को डाल देंगे, पीसे हुए पोहा को। अब इसमें हम डाल देंगे पीसा हुआ कड़ी पत्ता, हरा धनिया वगैरह। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, बिल्कुल स्वाद के अनुसार। मैंने अभी 1 चम्मच नमक लिया है इसमें डालने के लिए। इसे टेस्ट करके और हम फिर डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक बराबर होता है। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर, बहुत थोड़ा सा, मैंने 1/2 चम्मच लिया है। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे जीरा और अजवाइन, दोनों ही 1/2 चम्मच है। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा लेंगे और इसकी टिक्की बनाकर रख लेंगे। सबसे पहले तवा को गर्म करेंगे, उस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। इस तेल को हम स्प्रेड कर देंगे। आंच को बिल्कुल सिम करेंगे और टिक्की को इसके ऊपर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रख के हम इसे सेकेंगे। थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा धीरे धीरे। इन सब को उलटने के बाद हम फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब ये दोनों साइड पककर रेडी हो गया है। देखिए तो ये बहुत ही कम तेल में देखिए कितना अच्छा सा आलू की टिक्की बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपको इसका बहुत ही चटपटा चाट भी बना करके दिखलाती हूँ। टिक्की तो बिल्कुल रेडी है। एक टिक्की को लेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही को मैंने फेंट करके रखा हुआ है।
बहुत खट्टा दही नहीं लेंगे, थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए दही। इसके ऊपर हम डाल देंगे हरे धनिया की चटनी। बहुत तरीके से मैंने हरे धनिया की चटनी का रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया है, किसी को भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके ऊपर हम डाल देंगे खट्टा मीठा चटनी। ये सब हम अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर डाल देंगे प्याज छोटा बारीक कटा हुआ, हरे धनिया की पत्ती बारीक कटा हुआ, और बारीक सेव जो भेल में इस्तेमाल होता है, जितना आपको डालना है डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए चटपटा चाट टिक्की से तैयार करते हैं। अब आप इसका आनंद ले सकते हैं, ये बहुत ही मजेदार होता है खाने में। आप इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।